हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों का यूनिकी सेंटर में मोस्ट वेलकम है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे जो 11th क्लास के जो स्टैटिस्टिक थी वो बुक हम शुरू कर चुके थे और उसके हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को भी कवर कर लिया था। और हमारा जो मतलब चैप्टर नंबर थर्ड था उसके हमने दो पार्ट को देख लिया था। और उन दोनों पार्ट में हमने क्या किया था कि जो दो मेथड होते हैं कौन कौन से, एक जनगणना विधि सेंसस मेथड, दूसरा क्या प्रतिदर्श विधि जिसे हम सैंपल मेथड कहते हैं, तो उनको हमने डीप उसको हमने देखा था कि उनके डेफिनेशन क्या होती है, उनके मेरिट और डीमेरिट क्या होते हैं, उसके अवगुण और अवगुण। तो गाइज अब हम जो बात करने वाले हैं, आप लोग तैयार हुए चार नंबर क्वेश्चन, मतलब चार नंबर के क्वेश्चन के लिए ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्टली है। इसको बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट भी लेना लास्ट में, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा चार नंबर में पूछा जाता है कि दोनों मेथड के बीच में आपको क्या डिफरेंस को एक्सप्लेन करना है, कैसे होता है। तो गाइज अगर आप इस तरह से लिख के आओगे जितना हम यहाँ पर लिखा है मैंने, तो आपके गारंटेड है चार नंबर में से एक नंबर भी आपके टस से मस नहीं हो सकते। ध्यान रखना, बस आपको ध्यान से सुनना है क्या क्या मैं करूँ जो हमने लास्ट की वीडियो में पढ़ा था वो सारे। अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो को देख रहा हो, तो आप सभी लोगों का यार मोस्ट वेलकम कि आप लोग चैनल पे आए हो। आप लोग आ गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर मतलब, और चैनल को क्या करिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन मैंने क्या बताया कि आपका चार नंबर का आएगा कि जो सेंसस मेथड होते हैं और सैंपल मेथड के बीच में डिफरेंस, मीन्स जनगणना विधि और प्रतिदर्श विधि में हमें क्या डिफरेंस को क्रिएट करना है। देखो डिफरेंस क्रिएट करने का एक ही तरीका है, वो क्या है, इस बेस पे करोगे तो चार नंबर पक्के हैं। कह रहे हो चार नंबर बिल्कुल आपके पक्के, चार नंबर आपके कहीं भी नहीं जाएंगे। तो करना क्या, हमें तीन बॉक्स बनाने होंगे, पहले में अंतर का आधार लिखेंगे, फिर आपकी जनगणना विधि, दूसरी क्या प्रतिदर्श। तो हम इसको वन बाय वन क्लियर करेंगे। अब देखो हम दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे बताएंगे, अगर आपने वीडियो नहीं पढ़ी है तो आपने प्लेलिस्ट को जाके वहाँ चेक कर सकते हो, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहले तो दोनों की डेफिनेशन के बीच, क्यों, क्योंकि दोनों की डेफिनेशंस क्या गाइस अलग अलग है, मैंने आपको बताया था। तो जनगणना विधि की डेफिनेशन क्या होती है पढ़ते देखो, कह रहा है कि जनगणना विधि वह विधि होती है जिसमें अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रत्येक इकाइयों से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और फिर उसके बाद निष्कर्ष निकाला जाता है। क्लियर है, कहने का मतलब क्या कि जनगणना विधि वाला एग्जांपल याद करिए कि टीचर है, अगर मान लो चेकिंग के लिए आ रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता है, अगर एक एक बच्चे के बारे में डिटेल इकट्ठा की जा रही है तो कौन सा मेथड है, जनगणना विधि। दिमाग में आप एग्जांपल को फिट करिए, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर है। दूसरा कह रहा है कि प्रतिदर्श विधि क्या होती है, कह रहा है प्रतिदर्श विधि वह विधि होती है जिसमें समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले, मतलब जो भी ग्रुप होगा, जो भी समूह होगा, उसका प्रतिनिधित्व करने वाले इकाई को क्या कहते हैं, इकाई के संबंधित हम आंकड़े एकत्रित करते हैं, ठीक है, और फिर उसके आधार पर क्या कहते हैं निष्कर्ष। अब इसका एग्जांपल बात करते हैं, हमने मॉनिटर का एग्जांपल समझा था लास्ट की वीडियो में कि पूरा क्लास है, क्लास को रिप्रेजेंट कौन करेगा, मॉनिटर। तो अगर मॉनिटर को हम निकाल लेते हैं तो कौन सा कहलाएगा हमारा सैंपल मेथड, कौन सा कहलाएगा सैंपल, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हम देखते हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस है, विश्वसनीय। विश्वसनीय का मतलब क्या होता है, आप ट्रस्ट किस पे कर सकते हो, कौन से मेथड आपके लिए ट्रस्ट वर्दी है, मतलब जनगणना विधि या फिर आप बताइए, या फिर आप बताइए प्रतिदर्श विधि। तो हम देखते हैं कि रखिए इस विधि द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़े विश्वसनीय होते हैं। विश्वसनीय देखो रीजन क्यों होता है, क्योंकि इस विधि में जो अनुसंधानकर्ता होता है, जो इन्वेस्टिगेटर होता है ना गाइस, तो वो क्या होता है खुद जाके वो सेल्फ, मतलब क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर जो एरिया होते हैं वहां पर जाके करता है, वो डिटेल को कलेक्ट करता है। तो सिंपल ही बात है, उस पर हम क्या करेंगे ट्रस्ट कर सकते हैं। अगला कह रहा है कि जो प्रतिदर्श विधि होती है वो क्या होती है, मतलब इस विधि द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़े विश्वसनीय नहीं होते। रीजन बिहाइंड क्या होता है, अब देखो आप ही सोचो कि आप कोई भी चीज़ होती है, ठीक, आप उसमें कहते हैं हाँ ये व्यक्ति ठीक है, तो क्या बात सही है, नहीं। रीजन क्या होता है, क्योंकि उसके बारे में जब पूरी डिटेल पता नहीं होती है, हर एक चीज़ में कोई ना कोई कमी दिक्कत हो सकती होती है, ये विधि क्या होती है, आप इसमें विश्वसनीय नहीं कह सकते, पूरी ट्रस्टवर्दी नहीं होती है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है गाइस, तो तीसरा पॉइंट कह रहा है कि पक्षपात, बायस क्रिएट होंगे, किस में होंगे बताइए आप लोग, समझ में आ रहा है, बायस किस में आएंगे, पक्षपात भेदभाव किस में होगा, इसमें हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। रीजन क्योंकि यहाँ पर जो अनुसंधानकर्ता होता है, जो भी इन्वेस्टिगेटर का, वो एक एक व्यक्ति के बारे में, मतलब एक एक जो पर्सन होता है, मतलब इंडिविजुअली पर्सन जो होते हैं उनके बारे में डिटेल को कलेक्ट की जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जनगणना विधि द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों में पक्षपात की संभावना, पक्षपात की संभावना नहीं होती है, ठीक है। पक्षपात की संभावना क्या होता है, पक्षपात की संभावना नहीं होती है, ठीक है। रीजन क्या है, रीजन ये डालना आपको कि यहाँ पर क्या जो अनुसंधान करता होता है वो स्वयं आकर क्या करता है, कलेक्ट करता है। दूसरा कह रहा है कि प्रतिदर्श विधि द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों में पक्षपात की संभावना होती है,
समझ में आ रहा है? रीजन क्यों होंगे, क्योंकि आप ही सोचो कि आप भी जिस क्लास में पढ़ रहे हो अब आपका जो मॉनिटर है, ठीक है, और अगर ऐसा कहीं मॉनिटर ही वीडियो देख रहा होगा तो आप लोगों के लिए बस समझना है, इसमें मेरा कोई हेट्स क्रिएट करने का कोई पर्पस नहीं है, बस आप समझना क्या कहना चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इस विधि में क्या होगा, इसमें क्या होगा कि आप सोचो आपके मॉनिटर से बनते नहीं हो तो आपके बारे में गलत डिटेल दे, मतलब गलत डिटेल दे सकता है कि नहीं, समझ में आ रहा होगा? तो ये क्या होता है, यहाँ पर पक्षपात बायस यहाँ पर क्या क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, विस्तृत क्षेत्र, मतलब वाइड एरिया की बात करते हैं। अब आप देखो जनगणना भारत में पूरी होती है, सिंपली बात है, वहाँ पर देखो, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि इनमें ये अच्छा रहता है कि नहीं। देखो अच्छा होने का मतलब क्या होता है, जनगणना विधि जब होगी तो हमें ओरिजिनल डेटा तो चाहिए ना, हमें जो आंकड़े जो डेटा हमारे को जानना है, देश को जानना है, ठीक है, तो ओरिजिनल तो चाहिए। तो ओरिजिनल हमें कहाँ से मिलेगा, जब हम सेंसस मेथड को फॉलो करेंगे गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो विस्तृत जनगणना विधि विस्तृत क्षेत्र के लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है, मतलब क्या होती है, बहुत सुटेबल होती है, ठीक है। अब दोषों में क्या होता है कि जो प्रतिदर्श विधि होती है क्या होती है, जो अगर हमारे पास वाइड एरिया है, ठीक है, मतलब बड़े क्षेत्र के लिए क्या होती है, विधि का यूज नहीं हो पाएगी। रीजन क्या होता है, फिर वहीं पर बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जैसे बायस हो सकते हैं, ठीक है, और भी जो वहाँ पर प्रॉब्लम्स होती है वो सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये गाइस हमारा क्या होता है कि 4 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो कवर होता है। और अगर सबसे पहले तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, चलिए। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को गाइस लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।